आज यानी 21 जून को पूरा देश योग दिवस मना रहा है। योग हमारे लिए और हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। यही वजह है कि लोग इसे लगातार अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं। योग करने से केवल शरीर ही नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी कई सारे फायदे हमारे शरीर को मिलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर हमारे देश में कई नेताओं ने योग दिवस पर योगा किया, साथ ही जनता को संदेश भी दिया। आपको बता दें कि 27 सितंबर 2014 में देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने संयुक्त महासभा में दुनिया के तमाम देशों से योग दिवस को मनाने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार करते हुए महज 3 माह के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन का ऐलान कर दिया, जिसके बाद अगले साल यानी 2015 में पहली बार विश्व ने योग दिवस मनाया। योग की अहमियत को देखते हुए अब हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस मनाया जाता है। ऐसे में आज यानी 21 जून को योग दिवस के अवसर पर सहारा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने योगा किया। देखिए उनका ये वीडियो। योगा हमारे दिल और दिमाग को चुरुस्त और दुरुस्त रखता है, इसलिए आप चाहें तो अपने डेली रूटीन में योगा शामिल कर सकते हैं। उम्मीद करती वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें सहारा समय डिजिटल के साथ।